हाय दोस्तों, भक्ति में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, भक्ति ब्लॉग में सुषमा भक्ति ब्लॉग में श्री चर्चा होने जा रहा है। चलिए दोस्तों, अभी श्री चर्चा को सुनिए और श्री चर्चा का आनंद लीजिए। चलिए भक्तों, अखंड मंडलाकारम व्याप्तेन चराचरम तद पदम दर्शितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरां दास्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुणा मिलयन्तमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तव द्रव्यं जगत गुरु तुभमेव समर्पे। जाग जाग महादेव मैया भवानी की जय। जाग जाग महादेव मैया भवानी की जय। दया करी कृपा करी गुरु महादेव। हर भोला हर जागा जागा महादेव जगदम्बा देव। जागा जागा महादेव जगदम्बा महादेव मेरे गुरु महादेव 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 मेरे गुरु महादेव महादेव महादेव। जागा जागा महादेव महादेव यदि गुरु महादेव यदि महा
शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं भगवान के चरण प्रणाम करती हूँ। सर्व देवी देव के चरण प्रणाम करती हूँ। श्री चर्चा के सूत्रधार पूजनीय हरिनारायण ज्ञानी मंदिर के चरण प्रणाम करती हूँ। शिष्य वंशिष भाई के चरण प्रणाम करती हूँ। प्रणाम के स्वीकार स्वीकार करूँ। शिव गुरु का तीन सूत्र मैंने भैया हरिनानंद वाले जी का हमको पालन करना आता है। पहले हम ध्यान मांगना हाथ जोड़ के हृदय से कि हे मेरे परम पिता परमेश्वर महेश्वर आदि देव महादेव शिव गुरु, हे मेरे क्षमादानी महादानी शिव गुरु, हे विश्व विराट विश्वव्यापी शिव गुरु, हे कृपा के सागर दया के सागर दया शिव गुरु, हे भोलेनाथ भंडारी, हे मेरे शिव गुरु, अब मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर आप दया करें, मुझे दया करना दया करें। दूसरे में चर्चा करना है, कहीं भी आते जाते कोई बात नहीं, उनसे कहना है बने भाई आप शिव को गुरु बना लें। शिव को गुरु बना करके दया मांगे तो गुरु जी अपार दया करते हैं। तीसरे में ईश्वर का नमः शिवाय से जप करना है। माला है तो माला द्वारा करें, माला ना हो तो गुरु द्वारा करना चाहिए। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। सांस को लेते हुए नमः और सांस को छोड़ते हुए शिवाय करना चाहिए। ये तीनों सूत्र का नियम पालन करते हुए गुरु जी बहुत अपार दया बरसाते हैं अपने भक्तजनों पर। हे भोलेनाथ, जो भी शिष्य अपन पधारे हैं उनके स्वास्थ्य पर दया करें, उनके बाल बच्चों पर दया करें, उनके सुख समृद्धि पर दया करें, सबके स्वास्थ्य पर दया करें, दया करें गुरु जी, दया करना आचर फैला करके गुरु जी से दया मांगना चाहिए। जैसे गुरु जी सबकी झोली भर देते हैं। बोलिए हर हर महादेव।